पूरी मुस्लिम दुनिया हमारी जिम्मेदारी है और खास तौर पर फलस्तीन। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैं बहुत बर्दाश्त से काम ले रहा हूं, मैं बहुत घटिया लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूं इनके लिए। पाकिस्तान की हैसियत ही कोई नहीं है आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स में, मुस्लिम दुनिया के इश्यूज में। पाकिस्तान का रोल था मुस्लिम दुनिया में, आज हमारा कोई रोल ही नहीं है। आज हम सिर्फ भीख मांगते नजर आते हैं हर एक से कि हमारा डिपॉजिट रखवा दो, तो इन्वेस्टमेंट कर दो, तो पैसे दे दो। अल्लाह ने हमें अगर कमजोर बनाया है मईशत में, तो हमें फौज में ताकतवर भी बनाया है। आपको पता है इस जंग को 138 दिन गुजर चुके हैं। इसराइली दरिंदा फौजें गजा के मुसलमानों पर जुल्म ढा रही हैं। नज़रे किराम, इस वक्त गजा के अंदर कयामत बरपा है। इस सब कुछ जुल्म और ज्यादती को देखते हुए अगर हमारी लीडरशिप खामोश है, तो आप बताइए मुझे कि मातम करना चाहिए उनकी अकल का कि नहीं करना चाहिए? नहीं, हम कैसे प्रोटेस्ट करते हैं? अपनी सड़कें बंद कर दी, अपनी बिल्डिंग्स को तोड़ फोड़ कर दिया। हम ये सब कुछ कर सकते हैं। जब इस यहूदियों ने पहला नकबा किया, कायदे आजम ने लाखों राइफलें खरीद के अरबों को भिजवाई कि फलस्तीनी मुसलमानों की मदद की जाए। जी दोस्तों, बकिया वीडियो दर्ज आने से पहले मैं बता दूं कि जैद हामद उर्फ लाल टोपी वाले भाई साहब ख्यालों की दुनिया में रहते हैं, ज्यादातर ये ख्यालों की दुनिया में रहते हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हमें इनकी बातों को इतना सीरियस नहीं लेते, आप इनकी बातों को इतना सीरियस ना लिया करें। तो चलो आप बाकी वीडियो देखें, बाकी बातें बाद में करते हैं। पाकिस्तान हमेशा इसराइल के खिलाफ खड़ा रहा है। 67 की जंग हो, 73 की जंग हो, हमने मिस्र की मदद की जाके इसराइल के खिलाफ, हमने उर्दुन की मदद की, हमने शाम की मदद की, हमने इराक की मदद की। 73 में तो खुद पाकिस्तान टूटे एक डेढ़ साल हुआ था, हम अपनी तारीख के सबसे कमजोर तरीन मकाम पर खड़े हुए थे, उसके बावजूद हमने अपनी एंटी एयरक्राफ्ट यूनिट्स और अपनी बटालियंस को हमने भेजा जॉर्डन के और सीरिया के और अरब मुल्कों के दिफा के लिए। हमारी एयरफोर्स गई, हमने इसराइली जहाज मार कर गिराया। तो आज तो अल्लाह के फजल से हम एटमी ताकत हैं, पूरी मुसलमान दुनिया हमारी जानिब देख रही है। और जिस कस्म का सफाक जेनोसाइड और कत्लेआम फलस्तीन में यहूदी कर रहे हैं, कोई मुसलमान मुल्क उसको रोकने वाला नहीं, सब एक दूसरे की जानिब देख रहे हैं। यह पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि पहला कदम उठाए। गजा के अंदर यहूदी फौजी लूट मार कर रहे हैं। इसराइल का सबसे बड़ा अखबार है हेरिटेज, उसने बकायदा रिपोर्ट जारी की है जिसमें लिखा गया है कि इजरायली सोल्जर्स लूटिंग इन गजा इज पार्ट ऑफ द रिवेंज, के एक दिफा के नाम पर या बदला लेने के नाम पर जो गजा के अंदर यहूदी फौजी हैं वो लूट मार कर रहे हैं। बकायदा गजा के जो बैंक थे वो इसराइली फौजियों ने लूटे हैं, और गजा के जो ताजर थे उनकी जो दुकानें थी, उनकी जो प्रॉपर्टीज थी, उनको इसराइली फौज ने लूटा है। और यही नहीं, जानबूझकर तबाह किए गए हैं। स्कूलों को तबाह करना, मस्जिदों को शहीद करना, अस्पतालों को तबाह करना, ये जानबूझकर किया गया है। भारत अज़ीज़ इकराम, पूरी दुनिया ये मज़ालिम देख रही है। मुझे लगता है मुस्लिम उम्मा बैन कर देनी चाहिए, खत्म कर देनी चाहिए। आप ये नहीं, वो अम्मा तो पता नहीं कहाँ गायब है, वो तो मुस्लिम अम्मा तो गायब है ना बहुत अरसे से। और आज काफी अरसे के बाद मेरा ख्याल है इसकी हम मजम्मत तो करनी चाहिए थी कि जो सुपर पावर्स हैं वो क्यों खामोश हैं। लेकिन बिल आखिर पहले रशिया ने जो फलस्तीन की क्यादत है, जो उनकी दोनों हमास और खासतौर से हिजबुल्ला की, उनको मॉस्को के दौरे पर बुला लिया है। जी, जी, और चीन ने ये कहा है कि गजा में इंसानी तबाही जारी रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अच्छा, ये सुपर पावर्स अमेरिका के अगेंस्ट आ रही है ना, इस वजह से ये रीजन बोल रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि दो रियासती हल के लिए बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस जल्द अज जल्द होनी चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है कि सूरत हाल में अल्टीमेटली नाउ सुपर पावर्स आर इन्वॉल्वड। आई थिंक टेबल टॉक पर आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन सुपर पावर्स थोड़ी जाके ये सब कुछ करेंगी ना, वो तो कहेंगे कि मुस्लिम ममालिक उठें, आगे आवाज उठाएं। आप ना, मेरा ख्याल है आपने मुस्लिम उम्मा मेरी छेड़ बना ली है। जब इंडिया इसराइल की मदद करने के लिए वेपन और ड्रोन्स भेज सकता है, तो हम फलस्तीन के मुसलमानों की मदद करने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो सरफेस टू एयर मिसाइल और एयरफोर्स का कवर क्यों नहीं दे सकते? आखिर बॉस्निया अगर आज कायम है तो पाकिस्तान की वजह से कायम है, पाकिस्तान आर्मी की वजह से, अल्लाह के फजल से कायम है। हमने तो उस वक्त यूएन की अम्ब्रेला में, यूएन फोर्सेस थी हमारी, हमने उनके अंदर होते हुए यूएन के मैंडेट के खिलाफ वर्जी करते हुए बॉस्निया की मदद की, सर्ब्स को पीछे हटाया, वरना आज बॉस्निया का नामो निशान ना होता। वो सब भी पाकिस्तान की वजह से। पूरी मुस्लिम दुनिया, इंडोनेशिया की आजादी का मामला आया तो आपने देखा, उस वक्त कायदे आजम ने सिपाही भी भेजे और हॉलैंड के जो जहाज असलाह लेकर इंडोनेशिया जा रहे थे उनको रोक लिया कि हम अपने मुसलमान भाइयों के कत्लेआम में मददगार नहीं होंगे। इन्होंने जिस किस्म की मुजरमाना खामोशी इख्तियार की हुई है उसकी माफी दी नहीं जा सकती। और एक बात और सुन लें जी, मैं ये वसूख से कह रहा हूं कि इनमें से हर लीडर,
इसकी कीमत चुकाएगा। अच्छा, ये याद रखिएगा कि मैंने पैलेस बाहर होंगे, बच्चे आप फिक्र ना करें, ज्यादा देर नहीं है, जरा सांस सुख का लेने दें आप फलस्तीनियों को, फिर देखिएगा क्या होता है। और फिर जब इनके स्टेटमेंट्स आएंगे तो पता चलेगा कि ये मुस्लिम मुमालिक और ये मुस्लिम उम्मा जो है उसने किया क्या है, दुखता है, दिल दुखता है। आलमी अदालत इंसलाब में भी साउथ अफ्रीका गया, अभी भी बोला है तो ब्राजीलियन सदर, यही तो मैंने कहा ना कि मैं आप मुझे ना बार बार याद दिलाएं, मेरा दिल बहुत दुखी भी है और मैं बहुत हॉस्टाइल भी हूं। वो जो दुनिया रश की निगाह से जिस हथियारों को देखती है, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो हथियार अता किए, लेकिन हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं आता, हम अपनी इस मिलिट्री डिप्लोमेसी को इस्तेमाल नहीं कर पाते। इंडिया को तो कोई शर्म नहीं है, पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद इसराइल को ड्रोन दे, तो हमें क्यों शर्म है अपने मुसलमान भाइयों की मदद करते हुए जो फलस्तीन में आज बिल्कुल ज़िबा होने के करीब आ गए। ये आखिरी आखिरी मामला है, चंद दिन के बाद रमजान शुरू होने वाला है, उनके पास अब भूख से मरने लगे हैं लोग वहां पे। सोचें कि पूरी मुसलमान दुनिया, अमीर तरीन खजाने रखे हुए हमने, और फलस्तीन के मुसलमान भूख से मर रहे हैं। पहले बमों से मर रहे थे, टैंकों से मर रहे थे, तोपों से मर रहे थे, अब भूख से भी मर रहे हैं। और जो इसराइल का वजीर दिफा है बेनी उसका नाम है, उसने ये कहा है कि जो हमारी फौज है ये दुनिया की बेहतरीन अखलाकी फौज है, और हम जहां भी ऑपरेशन कर रहे हैं वहां पर हम आम शहरियों को कत्ल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आम शहरी उनको बचाया जाए। और कुछ ऐसी तस्वीरें भी छापी गई जिसमें कहा गया कि देखो यहूदी फौजें वो गजा के मुसलमान जो लाचार हैं, माजूर हैं, उनको वो निकाल रहे हैं, उनको वो हेल्प उनकी वो हेल्प कर रहे हैं। ये दोस्तों हमने वीडियो देखी, वीडियो में हमने देखा कि ज़ैद अहमद साहब जो कि फलस्तीन को आज़ाद करवाने की बात कर रहे हैं पाकिस्तान से, जो कि पाकिस्तान में एहतजाज करने पे भी पाबंदी कि आप फलस्तीन और इसराइल के खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकते। ठीक है, आज के वक्त में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि हम भाई किसी को क्या आज़ाद करवाएंगे, हमें अपनी फिक्र पड़ी हुई है। तो इसलिए अब पाकिस्तान के लिए एक वक्त था, पाकिस्तान जो ये 56 इस्लामिक देश हैं उनमें कुछ रोल अदा किया करता था, आज के वक्त में पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि पाकिस्तान कोई रोल अदा कर सके। पाकिस्तान दूसरे देशों को ये कह सके भई या फलस्तीन के साथ शाना बशाना खड़ा हो सके, क्योंकि इंडिया की जो वाम है ज़ाहिर बात है वो इसराइल को सपोर्ट करती है, उनके रिलेशन अच्छे हैं इसराइल से, और पाकिस्तान जब से इसराइल बना है उसको पाकिस्तान ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। पाकिस्तान का पासपोर्ट पूरी दुनिया में हम उस पर विजिट कर सकते हैं, लेकिन उस पर लिखा होता, मेंशन किया होता कि भैया आप इस पासपोर्ट पे इसराइल में विजिट नहीं कर सकते। तो यही रीज़न है कि पाकिस्तान और इसराइल के शुरू दिन से ही रिलेशन अच्छे नहीं हैं। तो जो पाकिस्तानी अवाम है वो फलस्तीन को सपोर्ट करती है, जो इंडियन अवाम है वो इसराइल को सपोर्ट करती है, तो ऐसी सूरत हाल है। और बाकी रही बात कि पाकिस्तान क्या रोल अदा करेगा आने वाले वक्त में इसराइल और फलस्तीन के बारे में, तो मेरे ख्याल में ये है कि पाकिस्तान कोई रोल अदा नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान जब तक अपने पाँव पे खड़ा नहीं होगा, जब पाकिस्तान में क्या कहते हैं माशी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, सियासी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो पाकिस्तान कुछ भी करने के काबिल नहीं है। क्योंकि अभी आज के वक्त में पाकिस्तान दुनिया में तन तनहा जहाँ पे भी जाते हैं ये कर्जा लेने ही जाते हैं, तो जब ये खुद स्ट्रांग होंगे तो दूसरे के बारे में बात करेंगे और दूसरे इनकी बात सुनेंगे। अभी तो ये मिसाल के तौर पर इसराइल को बात भी करें तो वो हंसेंगे भी ये क्या बात कर रहे हैं, तो इसलिए वो पंजाबी में मिसाल जिंदे घर दाने उनके कमरे भी सियाने, तो ऐसी सूरत हाल है। आप इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।